और आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स मुस्तकिल इनका एक मैदान बनते जा रहा है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बयान कर रहे हैं लोगों के सामने ताकि लोगों को उभारें, उनको इंकरेज करें और उनके जज्बात को सामने मलहूज रखते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ ऐसी एक्टिंग करके ऐसे जुमले बोलें कि सामने वाला रो दे और आंखें नम हो जाएं, तो तालियां बजना शुरू हो जाए, फिर उनको हार भी पहनाए जाएंगे, इस्तकबाल भी बड़ा शानदार होगा, तोहफे और लिफाफे भी बड़े शानदार दिए जाएंगे, हालांकि वो पढ़े लिखे डिग्री के हिसाब से कुछ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बोलने के अंदाज की वजह से लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं। यहाँ एक बात हम सबको मालूम होना चाहिए कि बोलने के तासुर से अगर पब्लिक मुतासिर होती हो तो ये समझ में आने वाली बात है, लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर से अगर खवास उलमा मुतासिर होते हों और उसकी वाहवाह करते हों, ये साफ़ दलील है कि ये लोग अपने अकाबिर को नहीं पढ़े हैं, साफ़ दलील है कि ये लोग अकाबिर के नाकदरे हैं, साफ दलील है कि ये लोगों इन लोगों के अंदर इल्मी गहराई और गिराई नहीं है। तभी जाके एक दाढ़ी मुंडे हुए शख्स को जो नमाज भी नहीं पढ़ सकता होगा, जिसे इस्लाम की पूरी मालूमात भी नहीं होंगी, उलमा कहलाने वाले लोग भी गाड़ियों में साथ बिठा बिठा के घूमते रहते हैं और उसे अपने साथ रखते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये मोटिवेशनल स्पीकर की इस्लाह करना चाह रहे हैं या मोटिवेशनल स्पीकर इनको लूट रहा है। सालों साथ रहते हुए भी एक नेकी अपनी उसके अंदर मुंतकिल नहीं कर सकते और फिर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कारनामा हम कर रहे हैं कि असरी तालीम याफ्ता तबका और दीनी तालीम याफ्ता तबके में जो खलीज थी उस खलीज को हम पाट रहे हैं, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिला रहे हो? यानी जो बातें हमारे अकाबिर ने बहुत पहले कह चुके हैं तरगीब और हिम्मत अफजाई की, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, बड़े मुफ्ती साहब मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, फतावा महमूदिया के मुसन्निफ, आप देख लें, इतना रिजाल साज आदमी था कि जितने उनके खुलफा बने हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हों, पड़ोस मुल्क में हों या कहीं और हों, हर जगह पर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले बने, हर जगह पर काबिल एतमाद और काबिल तकलीद कारनामा अंजाम देने वाले इन मुफ्ती साहब के बने। मोटिवेशनल का मतलब क्या है कि आदमी को ऐसा उभारना वो कि काम वाला बन जाए। काम वाले अफराद किसने ज़्यादा तैयार किए हैं? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख लीजिए किसने तैयार किए, हज़रत थानवी को देख लीजिए कितने तैयार किए हैं। तो ये सब मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे अकाबिर की जूतियों के धूल को भी नहीं पहुँचते हैं और दीवाने किस्म के मौलवी हैं जो इनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं और इनको साथ लेके फिरते रहते हैं। अपने मदरसे में 40 साल से शेखुल हदीस बनकर बूढ़ा हो गया, साइकिल में आकर वो दर्स दे रहा था, उसे गाड़ी दिलाने की तौफीक नसीब नहीं हुई है, उसे ऑटो का इंतज़ाम करने की तौफीक नसीब नहीं हुई है। एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या आ गया, कार की ऊपर की छत खोलकर उसे बाहर उल्लू को निकाले जैसा निकाल कर उसे हार पहनाकर ऐसे लाते हैं कि उस 40 साला मुदर्रिस की तौहीन और तहकीर लाजिम आती है। सालाना उसकी तनख्वाह में इजाफा करने की का नहीं ख्याल किया जाता है, उसके घरेलू अखराजात का इंतज़ाम नहीं होता। एक मोटिवेशनल स्पीकर के बयान पर 1.5 लाख रुपए का हदिया दिया जाता है, ये इन उलमा की तौहीन नहीं तो और क्या है? कितना ज़्यादा हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं, रात तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने मांगना, अपने एक एक तालिब इल्म का नाम लेकर दुआ करना, अपने बच्चों में से हर तालिब इल्म की उसकी इल्मी सलाहियत उसके ज़ौक़ का ख्याल रखते हुए, जो तफसीर में शौक़ रखता उसे मुफस्सिर, जो हदीस में शौक़ रखता उसे मुहद्दिस, जो तदरीस में शौक़ रखता उसे मुदर्रिस, अपने अपने शोबे का इमाम बनाने की सलाहियत रखने वाले इन असातिज़ा से ज़्यादा मोटिवेशनल कौन हो सकता है? जिसने अकाबिर को नहीं पढ़ा, जिसने असलाफ़ को नहीं पढ़ा, उनके कारनामों को नहीं देखा, वो शख्स ही होता है जो मोटिवेशनल स्पीकरों से मुतासिर होता है। और ये लोग समझते हैं कि हम दीवाने हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कौन मोटिवेशनल स्पीकर है, कौन लूटना चाह रहा है, किसके अंदर इल्मी सलाहियत ज़्यादा है। अगर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के ही तलवे चाटना था तो सबसे ज़्यादा बाबरकत तलवे डॉक्टर ज़ाकिर नायक के थे, उसके कर लेना था, चूँकि उसके अंदर इल्मी सलाहियत भी थी, उसके अंदर बैनल मज़ाहिब तकाबुल का बहुत बड़ा मलका भी था, उसके अंदर हवालों की हाजिर जवाबी भी थी, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी, उसको तो आपने बख्शा नहीं, उस पर तो किताबें लिखी गई,
उस पर तो डॉक्टर जाकिर नायक के नज़रियात पर मुस्तकिल 400 सफ़ात की किताब मौजूद है। उस बेचारे को तो मुल्क से भगा दिया गया, भगाया कोई और है लेकिन साथ अपनों ने भी दिया है। तो वो बंदा जो हज़ारों लोगों को इस्लाम में आने का ज़रिया बना है, चंद नज़रियात में इख्तलाफ था, मसाइल में उससे गलती हुई है, हाल में उसने रुजू भी कर लिया, तौबा भी कर लिया और मुस्तकिल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर एक बयान भी दिया उनकी अज़मत और शान के मुकाबले में, तो ये शख्स तो फिर भी गनीमत है उसके दर्जे में जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर बने फिरते हैं। और अफसोस तो तब होता है जब हमारे ही उलमा में से कोई आलिम ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, उनका कोई तालीम का कोई क्लासेस चलते हों, वो अंग्रेज़ी सिखाते हों या कुछ और पढ़ाते हों, वहाँ जाकर बाज़ ऐसे उलमा भी हैं जो ऐसा बयान देते हैं, इस ज़माने में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी, तो फिर तुम क्यों ज़िंदा हो, मर जाते फिर, ऐसे लोगों को अल्लाह ने ज़िंदा रखा है। ऐसा उनको चढ़ा, सामने सब उलमा बैठे हुए हैं और ये उलमा भी काबिल रहम हैं जो बेचारे अंग्रेज़ी सीखने के लिए, हमारे अकाबरीन ने दारुल उलूम में शोबे अंग्रेज़ी कायम किया है और हमारे उलमा ने मुस्तकिल शोबे अंग्रेज़ी के क्लासेस कायम किए हैं, मुंबई में चलता है और मुख्तलिफ जगहों पर चलता है, अपने उलमा के पास सीखने तैयार नहीं है। मौलाना अब्दुल कबीर साहब दामत बरकातहू अपने इदारे में वो शोबे लिसानैन अंग्रेज़ी और अरबी दोनों ज़बानों पे महारत हासिल करने का कायम किए, वहाँ जाके सीखने का नहीं है। एक आम आदमी है, गैर आलिम है, गैर शरई गैर मुतशर्रे है, उसके पास जाकर वो अंग्रेज़ी सीखने जाते हैं। मदारिस में जब ये शोबा कायम किया जाता है तो उसकी अहमियत नहीं होती और उसके सालाना जलसे के मौके पर सिर्फ उल्लू बनाना है बस, कुछ इल्म सीखा सिखाया नहीं जाएगा, फ़ीस महंगी रख दी जाएगी, फिर भी जाके पढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि मीडिया के ज़रिए से शोहरत हासिल हो चुकी है। और बास वो मौलवी जिन्हें दीनी इल्म में गहराई हासिल नहीं और अपने अकाबिर की सवानों से कोई वाकिफियत नहीं है, वो बैठ कर उलमा के सामने इसका दर्जा बढ़ा देते हैं और उलमा का दर्जा घटा देते हैं। तो आप जिसको शरीयत ये बोलती है कि अगर ये इमाम बने नमाज मकरूह है, तहरीमी होगी इसकी पढ़ाना, उसको आप आइडियल बना के पेश कर रहे हैं, ऐसे उलमा की ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो फिर बैत कर लो ना उसके हाथ पे, फिर उसके हाथ पे बैत कर लीजिए, अपने पूरे तबके को बोलिए कि इसके हाथ पे बैत कर लें, ये हमारे शेख और मुर्शिद हैं, दामन थाम लीजिए, जन्नत में लेके जाएंगे। ये बिल्कुल नादानी वाली हरकत है। यहाँ सिर्फ इतनी बात समझें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लोग चाहते हैं, अवाम में उनकी भी अहमियत और कदर होती है, लेकिन उलमा का इससे मुतासिर होना ये बहुत ही नादानी वाली बात है। गमी का इजहार, खुशी का इजहार, आप पढ़ लीजिए किताब ला तहज़न, अरब आलिम दीन की है, उसमें ऐसे जज्बात पर मुश्तमिल मज़ामीन है, आदमी पढ़ते पढ़ते रो देता है, पढ़ते पढ़ते खुश हो जाता है। किताब पढ़ लीजिए इस्तमतिया बिहयातिक, अरबी में लिखी हुई, अपनी ज़िंदगी से खुद फ़ायदा उठाओ, ऐसे जज्बात पर मुश्तमिल मज़ामीन है कि आदमी खुद ब खुद खुश हो जाता है, किताब का मज़मून पढ़ने के बाद नाचना शुरू कर देता है, ऐसी खुशी महसूस होती है। इतने सारे अकाबरीन की तहरीरात मौजूद हैं, खिदमात मौजूद हैं, उनके सामने गैर मुतशर्रे मोटिवेशनल स्पीकर को इतनी अहमियत देना गोया कि नाउस बिल्ला वो जिब्राइल का बेटा है, इतना उसे बड़ा चढ़ाकर सर पे कर रहे हैं। लेकिन उलमा को इससे मुतासिर होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, अगर वो मुतासिर है तो अपने अकाबिर का नाकदरा है और अपने असलाफ़ की सवाने का जाहिल शख्स है।